मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के ऊपर जो जजमेंट आया है उसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये सरासर एक अंग्रेज़ी में कहावत थी, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, मगर आज इसका उल्टा हुआ, जस्टिस इज़ आल्सो डिलेड एंड आल्सो डिनाइड। इतने साल के बाद भी आज कसूरवार छूट जाते हैं और असली कसूरवार पकड़े भी नहीं गया बोल के ये बात मालूम हो रही, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जिस दिन लोग जुमे की नमाज़ अदा कर रहे थे और बम ब्लास्ट हुआ और बेकसूर लोग सजदे में मर गए और कई लोग ज़ख्मी हो गए। एक और एक बम वहाँ पे था, वो बम मैंने, लोग भाग रहे थे पैनिक होके डर के, तो मैंने अपने हाथ में उठा के बाहर ला के बम डिस्पोजल स्क्वाड को दिया और उन्होंने डिफ्यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे नेशनल और स्टेट लेवल पे बड़े अवार्ड्स मिले। सोनी टीवी पे गैलेंट्री, CID गैलेंट्री अवार्ड मिला, गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड मिला, रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड मिला। मगर आज का जो जजमेंट है, मुझको बहुत अफसोस हो रहा है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये जजमेंट आया, और इससे मैं नाखुश हूँ, अफसोस है कि जो लोग मासूम लोग मरे उनको इंसाफ नहीं मिला। फिर एक बार मैं बोलूँगा, जस्टिस इज़ डिलेड एंड जस्टिस इज़ डिनाइड।